नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, नागपुर। फेसबुक के जरिए किशोरी से दोस्ती कर युवा सीए ने उसे अपने प्रेम जाल में फंस लिया। लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। रिश्तेदारों को घटना की जानकारी मिली और हुड़केश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 14 वर्षीय पीड़ित किशोरी की शिकायत पर संघ बिल्डिंग के पास महल निवासी हर्ष और पदम गिरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसे खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोरी 9वीं कक्षा की छात्रा है। अपने पिता और बहन के साथ हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में रहती है। हर्षल सीए की पढ़ाई पूरी कर चुका है। अप्रैल 2018 में हर्षल ने पीड़िता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पीड़िता ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद दोनों के बीच लगातार चैटिंग होने लगी। इसी दौरान हर्षल ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे मिलने के लिए फुटाला चौपाटी पर बुलाया। किशोरी उससे मिलने भी गई। बीते फरवरी महीने में पीड़िता के घर पर कोई नहीं था। इसी समय हर्षल उसके घर पर गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का भरोसा दिलाकर लगातार हवस का शिकार बनाता रहा। इस महीने उसने अचानक पीड़िता से बातचीत बंद कर दी। पीड़िता लगातार उसे कॉल करती रही, लेकिन वो फोन नहीं उठाता था। 18 मई को हर्षल ने पीड़िता को फोन किया और कहा कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उसने बातचीत करने से भी मना कर दिया। पीड़िता को सदमा पहुंचा और उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन उसे थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हर्षल को गिरफ्तार कर लिया। बालिका समेत दो से छेड़खानी, नागपुर। बजाज नगर और वाड़ी थाना क्षेत्र में बालिका समेत दो के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई। 24 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने 16 वर्षीय किशोर पर मामला दर्ज कर लिया। युवती अपने 9 वर्षीय मौसेरी बहन के साथ साउथ अंबाझरी रोड पर स्थित स्विमिंग पूल में तैरने गई थी। वहां किशोर ने उसकी बहन पर अश्लील टिप्पणी की। बच्ची ने बड़ी बहन को जानकारी दी और दोनों ने बजाज नगर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वाड़ी पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों में यशोधरा नगर निवासी शेरू शहजाद खान, वाड़ी निवासी मुजाहिदीन कलाम खान और मोई खलील खान का समावेश है। पीड़ित महिला अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ किराना सामान लेने जा रही थी, तभी आरोपियों ने उन पर अश्लील टिप्पणी की। नजरअंदाज करने पर रास्ते से कंकड़ पत्थर मारने लगे। इस पे महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।